हम थ्योरी कर रहे थे, हमने लेवलिंग की थ्योरी कर रहे थे। लेवलिंग की थ्योरी जो है न्यूमेरिकल से इंटर रिलेटेड है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स में भी आपको थ्योरी समझाइए साथ साथ। तो हमने ये टॉपिक कवर अप कर लिया था, दो तरह के हमने मेथड देख लिए थे। ये थ्योरी में है, आपने न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लिए हैं। दो मेथड होते हैं, एक कॉलिमेशन मेथड जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, तो दूसरा कौन सा होता है, राइज एंड फॉल मेथड। ये सारा एक्सप्लेन किया गया कि राइज ऑफ फॉल मेथड में या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या फॉर्मूले लगते हैं। आर एल प्लस बी एस एच आई, एच आई माइनस एफ एस या आई एस, नेक्स्ट आर एल के बराबर होता है। ऐसे नीचे चेक होता है, ये चेक का मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ऐसे ही राइज फॉल मेथड, राइज फॉल मेथड में भी चेक होता है। वैसे ही आप अगर फोर साइड आगे वाली रीडिंग बड़ी होती है तो उसको फॉल में लिखते हैं, छोटी होती है राइज में लिखते हैं। तो उसका भी सारे लेवल निकालने के बाद फॉल को माइनस करते हैं और राइज को प्लस करते हैं क्यूमुलेटिवली रिड्यूस लेवल में। और नीचे चेक लगता है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस बराबर सिग्मा राइज मतलब सिग्मा फॉल बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। और उसके बाद हमने ये देखा था पेज ऑफ लेवल बुक, लेवल बुक मैंने आपको दिखाई थी, लेवल बुक को कैसे भरते हैं आपने उसमें देखा होगा, कैसे उसमें ऐसे बने होते हैं कॉलम स्टेशन। अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, स्टेशन बैक साइड इंटर फोर, उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस लेवल रिमार्क्स। अगर उसको आप राइज फॉल से कर रहे हो तो स्टेशन बैक इंटर फोर, उसके बाद राइज फॉल, उसके बाद आर एल रिमार्क्स, नीचे इसका चेक लिखा हुआ। तो ये चीज जॉन सी आपने न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी सारी सारी जॉन सी है, ये इसकी प्रैक्टिस करी है हमने काफी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, ये जो नीचे लिखा हुआ है क्या टॉपिक है, ये कॉमन डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स इन लेवलिंग। देखो स्टूडेंट, जब हम लेवलिंग परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली, तो जरूरी नहीं है कि हमारे को ग्राउंड जोन सी है एकदम, हमको जो काम है एकदम प्रॉपर मिले, कि हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए इजिली। जब हम काम करते हैं कभी कभी जोन सी होती है, कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं, कोई डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कोई हिंड्रेंस आ जाती है, मतलब कि कोई ऐसी चीजें रुकावटें आ जाती हैं जो कि जिनको हमने थ्रू करके हुए करते हुए लेवलिंग परफॉर्म करनी होती है। तो कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ बाधाएं जो अगर आपके प्रैक्टिकल काम करते वक्त आप अगर उनके साथ इनकाउंटर हो, आपके आपके आपको आ रही है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करते हुए आगे लेवलिंग करनी है, कैसे उनके उसके थ्रू आपने कैसे लेवलिंग करनी है, तो वो चीज होती है कॉमन डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स इन लेवलिंग। क्लियर है, क्लियर है। ओके अब जैसे हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग देखो, लेवलिंग अक्रॉस पॉन्ड, अगर सपोज कर लो आप लेवलिंग कर रहे हो और बीच में क्या कोई पॉन्ड आ गया, पॉन्ड पॉन्ड समझते हो ना, पॉन्ड पॉन्ड पता ही है आपको, पॉन्ड मतलब हाँ जी सर, नहर, तालाब तालाब तालाब, तालाब कह लो, बहुत बड़ा छप्पड़ कह लो, तालाब कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो अब सपोज कर लो अगर आप लेवलिंग कर रहे हो, आप अगर आप यहाँ से, मैं आपको सीधा ही समझा देता हूँ, आप यहाँ से आ रहे हो, चाहे यहाँ से आ जाओ, चाहे यहाँ से आ जाओ, जहाँ से मर्जी आ जाओ, हम इस तरफ से आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं। हमने क्या करना है, सारे लेवल निकालने हैं, ये सारे इस जमीन के लेवल भी निकालने हैं, और हमने पॉन्ड के दूसरे किनारे पे, मतलब एक किनारा तो ये रहा जो जिस पे हम खड़े हैं या एक्सेसिबल है, और दूसरे किनारे पे, दूसरे किनारे पे भी हमने जो है सारी लेवलिंग, सारे लेवल्स निकालने हैं। तो इस केस में हम लेवलिंग कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से लेवलिंग करते आ रहे हैं, बैक साइड जो भी है, इंटर 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 जो भी, चाहे बैक साइड या कर ली एक फोर साइड, जो मर्जी ले लो। फ्लाई लेवलिंग में हम क्या करते हैं, बैक साइड और फोर साइड पढ़ते हैं। फ्लाई लेवलिंग में हम सिर्फ बैक साइड और फोर साइड पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसने यहाँ पे फ्लाई लेवलिंग शो कर दी कि यहाँ पे बैक साइड आ गया और फिर यहाँ लेवल लगा, यहाँ पे हमने फोर साइड ले ली। जब हमने यहाँ पे बैक साइड ले ली, आर एल पता है उसको, हम आर एल प्लस उसमें बैक साइड रीडिंग ऐड कर देंगे, तो जो लाइन ऑफ साइट है हमारा, या उसके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है हमारी, वो निकल जाएगी, आर एल निकल जाएगा लाइन ऑफ साइट का, है ना। इस बैक साइड, ये जो बैक साइड रीडिंग ली है, जिस पॉइंट पे ये बैक साइड रीडिंग ली है, उसका आर एल हमें पता है, आर एल प्लस बी एस बराबर किसके होता है, एच आई के होता है। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, जो हमारी ये लाइन ऑफ साइट है लंपी लेवल की, इसका आर एल आ जाएगा, यही होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लंपी लेवल की हाइट अबव एम एस एल। हाँ जी तो ये जब इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये जो अगर हमने फोर साइट ली, इसको एच आई में से एफ एस माइनस कर दें, तो अगर इस पॉइंट का आर एल आ जाता हाँ जी है ना, यही हम करते हैं प्रैक्टिकल, मैंने आपको पहले भी इतनी बार समझाया है, आर एल प्लस बी एस इज इक्वल टू एच आई, मतलब क्या है, हमने ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट का आर एल हमें पता है, इसमें हमने इसी पॉइंट पे स्टाफ रख के बैक साइड पढ़ ली, तो आर एल प्लस बी एस, तो एच आई आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, डंपी लेवल है, इसकी हाइट मतलब इसका खुद का आर एल अबव एम एस एल, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हाँ अगली जी एफ एस या आई एस माइनस कर देते हैं। अब इस केस में अगली एफ एस कहाँ पड़ी गई है, इस किनारे पे, तो हाँ इस जी किनारे पे ये जो रीडिंग पड़ी गई है एफ एस, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से एफ एस माइनस कर दो, तो इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा, एच आई माइनस एफ एस या आई एस बराबर आर एल के होता है।
तो इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा, है ना, यही चीज हम करते आ रहे हैं शुरू से। अब ये पॉइंट का अगर हमें आर एल पता लग गया, चलो हमारा ये काम हो गया, इस किनारे का जो पॉइंट है जहां से जो सा पॉइंट शुरू हो रहा है उसका आर एल पता लग गया। अब देखो क्या चीज होती है, जो इस किनारे पे आर एल है वही इस किनारे पे आर एल रहेगा, तभी पानी लेवल है, तभी पानी लेवल है, है ना, तभी पानी लेवल है, क्योंकि जिस जो जो आर एल इस पॉइंट का होगा उतना ही आर एल इस पॉइंट का होगा, तभी पानी लेवल है, खड़ा हुआ है ना। हाँ जी, तो जितना आर एल इस पॉइंट का होगा उतना ही आर एल हम इस पॉइंट का ले लेंगे, समझ गए, दूसरे किनारे पे। ठीक है सर, आर एल पता लग गया, अब दोबारा वही काम शुरू कर लेंगे, यहाँ पे कहीं पे डंपी लेवल लगा लेंगे, उस आर एल पे बैक साइड पढ़ लेंगे, तो आर एल प्लस बी एस एच आई पता लग गई, एच आई के बाद आगे कहीं फोर साइड पढ़ ली तो उसमें से एफ एस माइनस कर देंगे, तो जिस पॉइंट पे फोर्सेट पड़ी होगी उस पॉइंट का आर एल आ जाएगा। तो हम पॉइंट को हमने पार कर लिया, इस तरीके से पॉइंट के थ्रू हमने लेवलिंग आगे थ्रू कर दी, आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर दी, कंटिन्यू कर दी। क्लियर है? सही होगा, मतलब जब हम इसका आर एल ले लेंगे तो अगर वो ऊंचा नीचा हुआ फिर? नहीं नहीं स्टूडेंट, अगर पॉइंट है छप्पड़ है ऊंचा नीचा नहीं होगा, नहीं तो पानी निकल जाना, नहीं तो पानी यहाँ ठहरना ही नहीं है, पानी तभी ठहरा हुआ है अगर लेवल है, नहीं तो पानी बाहर नहीं आ जाएगा। ठीक है सर, वो तो आ देखो पानी सर, ठीक है। पानी रुकेगा ही नहीं अगर ये चीज बराबर नहीं है, है ना। पानी कोई तालाब, अगर आपका घड़ा भी इसलिए खड़ा है, घड़े के अंदर जो टॉप लेवल जो जहां तक पानी भरा है इसलिए भरा रहता है क्योंकि घड़े के टॉप पे जो है लेवल बराबर है, घड़े की हाइट बराबर है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो ये केस कौन सा है, ये केस है अगर हमने पॉन्ड के थ्रू लेवलिंग करनी है। अब स्टूडेंट एक केस होता है कि अगर हमने रिवर के थ्रू लेवलिंग करनी है, देखो स्टूडेंट रिवर के थ्रू लेवलिंग करने का तरीका अलग होता है, इसमें एक फार्मूला लगाया जाता है, वो जो लेवलिंग होती है वो टाइप की लेवलिंग होती है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है, एज द विड्थ ऑफ द रिवर इज वेरी लार्ज। अब रिवर की चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, रिवर की चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है ना, रिवर मतलब दरिया, दरिया दरिया की चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, तो और वाटर भी बहुत तेज तेज फ्लो कर रहा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये चीज नहीं फॉलो करते उसमें, ये बहुत ये तब फॉलो होती है जब चौड़ाई कम हो, पौंड हो छप्पड़ हो, उस केस में जब रिवर आ गई बहुत चौड़ी रिवर आ गई तो उस केस में, और पानी बहुत तेज चल रहा है तो उस केस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेवलिंग परफॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, देन रेसिप्रोकल लेवलिंग इज डन। क्लियर है? अब ये जो जैसे मैंने आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कराए थे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको सिंपल लेवलिंग कराई थी, कंपाउंड डिफरेंशियल लेवलिंग कराई थी और फ्लाई लेवलिंग कराई थी, इस तरह की लेवलिंग कराई थी ना, अब रेसिप्रोकल लेवलिंग भी क्या है, एक टाइप ऑफ लेवलिंग है। ठीक है, ये जो टाइप की लेवलिंग है ये जनरली वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा चौड़ी ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब कि एक छोर से दूसरा छोर बहुत दूर हो जिसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे केस ऑफ रिवर, ज्यादा रिवर्स के केस में करी जाती है। तो ये जो रेसिप्रोकल लेवलिंग है ये डिफरेंट टाइप की लेवलिंग है, ये हम जब अगला टॉपिक करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, उसमें पूरा डिटेल में टॉपिक है रेसिप्रोकल लेवलिंग का, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग हम उसमें कवर अप करेंगे। क्लियर है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है रेसिप्रोकल लेवलिंग का, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जब अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग, उसमें एक टाइप की लेवलिंग होती है रेसिप्रोकल लेवलिंग, उसके न्यूमेरिकल नहीं होते, उसके थ्योरी के आपसे समझाना पड़ेगा आपको, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं हम, कैसे लेवलिंग करते हैं, वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग में, जब हमने रिवर के अक्रॉस करनी है तो उसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग अप्लाई करी जाती है। ठीक है, ठीक है, अभी आप इतना याद रखो, जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेसिप्रोकल लेवलिंग का उसमें डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है। ठीक है, अभी हम करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग, आगे करेंगे। अब अगला केस देखो, अगला केस क्या है, अगला केस है लेवलिंग अक्रॉस द वॉल और हाई बिल्डिंग। अब देखो अगर आप लेवलिंग कर रहे हो, आपने क्या करना है, आप यहाँ से